हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई भी अच्छे ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज से हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश जो आपकी फर्स्ट फ्लैट वाली बुक है, टेस्ट बुक, उसका हम लोग चैप्टर और लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्टार्ट करने से पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं, इससे क्या होगा आपको पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, ठीक है। अगर आप यकीन कर सकते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप पर्वत को हिला सकते हैं, ठीक है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्वेश्चन उठता है गाइज, लेकिन हमें विश्वास कहाँ करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, यही वह सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही, ठीक है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो एक किसान है जो लेटर लिखता है गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन, जब उसका फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर अ 100 पीसोस, 100 पीसोस की डिमांड करता है, ठीक है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिज द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजता है। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और आपको पता लगाना है, गेस लगाना है कि कहानी किस तरफ जा रही है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कहानी आप जो सोच रहे हैं किस तरफ जा रही है, ठीक है। कि आप जैसे सोचे वैसे ही जा रहा है या कुछ अलग जा रहा है, ठीक है। ऐसा आपको सोचना है बिफोर रीडिंग से पहले, ठीक है। चलिए गाइस, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही होता है या नहीं होता है, ठीक है। लेट्स गाइज स्टार्ट द स्टोरी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतना समझते हैं गाइज, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हुआ बताते हैं। देखो, लेंचो का जो मकान था, घाटी में सिर्फ एक ही मकान था, ठीक है, लेंचो का, और एक निजी पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ था। कोई भी इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए अनाज को, उन खेतों को देख सकता था जो उन फूलों से भरा हुआ था और हमेशा एक बढ़िया फसल देने का उम्मीद देते थे, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ। अब आगे देखते हैं। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट सावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इतना समझते गए। देखो, वो धरती को यानी कि ज़मीन को केवल एकमात्र चीज़ की जरूरत थी, वह था बौछार अथवा मूसलाधार बारिश, ठीक है। पूरे सुबह एंटायर मॉर्निंग लेंचो क्या किया, अपने खेतों की काफ़ी अच्छी समझ थी उसको, ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर से आसमान को देखते हुए देखने का अलावा उसका कोई काम नहीं रह गया था दूसरा काम, ठीक है। एकदम सुबह से लेकर शाम तक आसमान को देख ही रहा था, ठीक है। इसका मतलब हुआ, नाउ नेक्स्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वेमेन, द वेमेन हु वॉज प्रिपेरिंग शपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वेमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, ठीक है। इतना समझते हैं गाइस। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, तो आगे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। रैली में हम कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं श्रीमती जी, ठीक है, वुमेन से कहा। तो वुमेन बोलती है, जो संध्या का भोजन शाम का भोजन तैयार कर रही थी, जवाब देती है, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। उसके जो बड़े लड़के थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे, ठीक है, और छोटे लड़के लोग बगल में ही खेल रहे थे, ठीक है। तब तक खेल रहे थे जब तक कि उसकी माँ उसको बुलाए नहीं रात्रि के भोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते गाइस, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। इतना समझते हैं पहले, ठीक है। तो अभी हम देखें कि भोजन खाते समय जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, जैसे प्रेडिक्शन किया था, बरसात की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गए, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल नजर आने लगे, वायु ताज़ा
एवं फ्रेश था, ठीक है, एकदम सुहावनी थी। अब आगे देखते हैं गाइस, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। इतना समझते हैं पहले, ठीक है। देखो वह आदमी जब बाहर निकला, ठीक है, लेंचो ने बाहर निकला तो इस कारण गया क्योंकि वो अपने शरीर पर बरसात का अनुभव लेना चाहता था, ठीक है, बरसात का मजा लेना चाहता था ताकि उसके बॉडी पर बूंद पड़े, ठीक है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं था। तब वह वापस गया, ठीक है, वापस आया और वह बहुत ही विस्मय में था, बहुत सोच में था। ये आसमान से गिरने वाले बरसात की बूंदें नहीं है बल्कि क्या है, नए सिक्के हैं। बड़ी बूंद वाला 10 सेंट और छोटी बूंद वाला 5 सेंट के सिक्के हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया इमेजिन कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फॉलो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। इतना समझते हैं पहले, ठीक है। अब गाइज हम इसका मीनिंग समझते हैं हिंदी में, ठीक है। तो संतुष्टि की भावना के साथ उसने पके अनाज के इसके फूलों के साथ खेत को बरसात के चादर से ढके हुए देखा, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी, ठीक है, और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के नए सिक्कों के समान दिखाई दे रहे थे। आगे पढ़ते गाइज हम लोग, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन आई होप इट पासिस क्विकली इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो शोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस When the storm had passed, he stood in the middle of the field, said his son, a plague of locust was trapped, covered. Locust में होता है guys, insect with flying, big swarm, group and destroy crops, ठीक है। इतना समझते हैं हम लोग, have leapt more than this, इतना समझते हैं, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ देखते हैं। रियली में जब यह बरसात बहुत बुरा रूप ले लिया, ठीक है, छूट ही नहीं रहा था, हैरानी से व्यक्ति बोला, लेंचो बोला, मुझे आशा है कि यह ओले जल्दी ही रुक जाएंगे, लेकिन ओला गिरता ही रहा, ठीक है, 1 घंटा तक ओले गिरा, पूरे बाग में, पहाड़ी में, अनाज के खेत, फूल घाटी सब में पर गिरता रहा, ठीक है, और खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। अब वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था क्योंकि इतना ज़्यादा हवा चल रही थी और हेलस्टॉर्म पे पड़ रहा था, ठीक है, इससे पूरा पत्ता क्या हुआ, पूरा झाड़ दिया, ठीक है, अनाज पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है, पौधों में फूल झड़ गए और लेंचो की आत्मा बहुत दुख से भर गया, ठीक है, उसका सोल बहुत दुख से भर गया, ठीक है। जब तूफान थम गया तो वह अपने खेतों के बीच में जाके क्या करता है, खड़ा हो गया और अपने पुत्र से, अपने बेटों से बोलता है, टिड्डा होता है लोकट्स, ठीक है, टिड्डियों की जो महामारी आती है ना, तो इस कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेकिन ये तो ओला कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है, ये बोलता है। नेक्स्ट पढ़ते गए हम लोग, This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. ठीक है, यानी इस वर्ष हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा, कोई अनाज मिलेगा नहीं, सब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो वह रात एक दुखों रात था लेंचो के लिए, हमारा सारा परिश्रम बेकार चला गया, हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया, ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो गाइज ये हम लोग का Part-1 था, Part-2 में हम लोग इसको पूरा कहानी को ख़त्म करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।